हे गाइस, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, यहां पर बिग बम्पर वैकेंसी आए हैं सेल की तरफ से। सेल में बहुत सारे प्लांट हैं, आप जानते हैं स्टील प्लांट हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें कि भिलाई स्टील प्लांट चंद्रपुर, ठीक है, सलेम स्टील प्लांट, इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग, जैसे मैनेजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, और अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो भी करते हैं हम शुरुआत। तो गाइस, सबसे पहले मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओपन कर लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन टेक्निकल फील्ड हैं, तो मैं आप लोग को सीधे टेक्निकल उनके लिए ले चलता हूँ बातों के लिए। कि टेक्निकल में सबसे पहले एक है मैनेजर की पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं E3 ग्रेड की पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल वालों के लिए है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी कम यहाँ पर। फिर देन उसके बाद फिर यहाँ पर S3 और S1 ग्रेड की जो है वो है टेक्निकल वालों के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं। देन उसके बाद फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 ग्रेड के लिए भी है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी और इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इनके लिए जो ITI वाले हैं उनके लिए भी पोस्ट है यहाँ पर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये है बीबीकल, ठीक है। तो ये तो अपने देख लिए, अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी देखना। तो अपन जैसा कि पहले थे क्या मैनेजर की, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट में देख सकते हैं मैक्सिमम एज 35 साल है, तो आपका BE BTech होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। किस किस के लिए, मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग यहाँ पर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये हाइड्रोलिक्स, इन सब के लिए यहाँ पर आपको एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम वह देखेंगे सर्वेयर, ये ST ग्रेड की पोस्ट, ठीक है, उसमें डिप्लोमा वालों के लिए है, तो वही है, मगर इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऑपरेशन कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग लिया है, ठीक है। और बॉयलर ब्लास्ट इन सब में ऑपरेशन कम टेक्नीशियन, बॉयलर वालों के लिए, बॉयलर वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए उन लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो कि ITI वालों हैं उनके लिए भी ITI होना, केवल ITI होना, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मांगा है बहुत सारी पोस्टों के लिए, बाकी फिर जो ITI लेवल की पोस्ट हैं इनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। और ऑपरेशन कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इनके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये अपन को ध्यान रखना कि डिप्लोमा होना साथ में एक्सपीरियंस भी होना, ये इनका एलिजिबिलिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रहता है सेल के, सब में रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड, वही है। अपन S1 S3 पोस्ट की बात करें, ठीक है, लगभग लगभग दोनों सभी में सेम है, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 153 होनी चाहिए, ठीक है। वेट देख सकते हैं आप, इसमें कुछ विजन का भी रहता है, तो वही है कि 6x9 S1 S3 की बात करें, 6x9 होना चाहिए विथ और विदाउट, और 2.5 डायोप्टर से आपका कम होना चाहिए नियर विजन, ठीक है। इसका पेमेंट अच्छी खासी रहती है, जितना लेवल रहता है उतना पेमेंट मिलती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो फीस है, फीस आप देख सकते हैं 500 रुपये है, जो कि 500 रुपये है S3 के वालों के लिए, S1 वालों के लिए 300 है, और E1 से ज़्यादा के लिए 700 है, ठीक है। उसमें भी सबके लिए सेम है, चाहे वो OBC वाले हों, जनरल वाले हों, चाहे कोई हों, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, एग्जामिनेशन होना है, इसमें CVT1 होना, एक ही होता है CVT1, या तो फिर उसके बाद आप मेरिट में आएंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा, ज़्यादातर है स्किल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, तो उसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, तो उसमें आपको कंसोलिडेट पे बहुत, मतलब लिमिटेड मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मिले। फिर देन उसके बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद काफ़ी अच्छे खासे पैसे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट डेट की, स्टार्टिंग यहाँ की 26 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है, और 17 दिसंबर 2022 तक इसकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है गाइस। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यह बम्पर वैकेंसी थी, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें।